बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू अनदर वीडियो। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो आज के इस वीडियो में मैं आपसे एफपीएससी की जो रिसेंटली एडवर्टाइजमेंट आई है ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स की, उनका जो सिलेबस है वो मैं आपसे शेयर करूंगा। ये 2024 की एडवर्टाइजमेंट का सिलेबस है, बट याद रहे कि जो एफपीएससी का जो सिलेबस होता है वो इतना कुछ चेंज नहीं होता, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम रहता है। एंड होप सो जब कमिंग डेज में या कमिंग वीक्स में या कमिंग मंथ में जैसे ही आपका न्यू सिलेबस आएगा वो भी एग्जैक्टली यही होगा। ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स 2024 का जो सिलेबस है वो भी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अभी मैं इसको थोड़ा स्क्रॉल डाउन करता हूँ और आपको सिलेबस के हवाले से गाइड कर देता हूँ। आपने अभी से अपनी प्रेपरेशन जो है वो स्टार्ट कर देनी है, क्योंकि इसमें काफ़ी सारी बहुत बहुत ज़्यादा पोस्ट जो है वो अनाउंस की गई हैं ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स की। तो आप तमाम लोगों ने ज़रूर इसमें अप्लाई करना है, और मुझे उम्मीद नहीं बल्कि यकीन है जितने लोग भी अप्लाई करेंगे मैक्सिमम लोगों का इसमें चांस बनेगा, इंशाल्लाह ज़रूर बनेगा। ठीक है, तो इसीलिए मैं ये सिलेबस आपसे शेयर कर रहा हूँ ताकि आप इस सिलेबस के अकॉर्डिंग अपनी प्रेपरेशन अभी से स्टार्ट कर दें, ताकि जब नेक्स्ट इसका सिलेबस वैसे जो अनाउंस होगा इंशाल्लाह इसमें 19-20 का भी फर्क नहीं होगा, मुझे पूरी उम्मीद और यकीन है। और बट फिर भी आप इसके अकॉर्डिंग अपनी प्रेपरेशन अभी से स्टार्ट कर दें ताकि जब इसका टेस्ट अनाउंस हो और आपकी प्रेपरेशन पहले से ही 100% हो। तो ये सिलेबस है जी। सो ये पॉइंट नंबर 6 है ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स। अब ये फीमेल्स का सिलेबस था लास्ट टाइम, जो ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स की जो अनाउंस हुई थी पोस्ट फीमेल्स की, ये उनका सिलेबस है वैसे तो, ठीक है। बट जो अभी ग्रेजुएट टीचर्स के लिए जो पोस्ट अनाउंस हुई है वो मेल मेल हजरात के लिए, और सिलेबस तो डेफिनेटली वही रहेगा। ये सारे सब्जेक्ट्स हैं, इनका सिलेबस है। अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि, और दूसरी बात ये कि अभी बहुत सारे जो कैंडिडेट्स हैं वो मुझे कमेंट्स भी कर रहे थे कि सर इसमें बीएड मैंडेटरी है या नहीं। तो इसमें बीएड मस्ट है, मस्ट है और मस्ट है। और जो नीचे नोट लिखा हुआ है उसमें जो सेकंड पॉइंट है आपने वो भी पढ़ लेना, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट वो पढ़ के फिर भी मुझे मैसेज करते हैं कि सर ये बताएं कि इस पे बीएड मस्ट है, क्योंकि उसमें क्लियरली ये लिखा हुआ है कि जिन लोगों ने बीएस मास्टर्स पीएचडी और एमफिल किया हुआ है एजुकेशन में, ठीक है, ऐसे लोगों के लिए बी एड जो है वो मस्ट नहीं है। अब देखिए उन्होंने एजुकेशन की बात की है, यानी कि एजुकेशन डेफिनेटली डिग्री ही वो है, बी एड भी क्या होता है, बैचलर्स इन एजुकेशन। तो जिन लोगों ने बी एस एम फिल पी एच डी ये सारे मास्टर्स वगैरह एजुकेशन में किया उनके लिए बी एड मस्ट नहीं है, बाकी जितने भी कैंडिडेट हैं उनके लिए बी एड मस्ट है। तो ये अगेन मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, ताकि आप लोग जिन लोगों ने बी एड, अब फिर ऐसे कैंडिडेट भी हैं जिन्होंने बी एड तो किया, मतलब अब स्टार्ट है, किसी का फर्स्ट है, किसी का सेकेंड है, किसी का थर्ड है, और जिन लोगों का भी जिस तरह चल रहा है कि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका रिजल्ट नहीं आया, या इस तरह के जो भी कैंडिडेट्स हैं वो इसमें अप्लाई ना करें, ठीक है। जिनका कंफर्म है, जिन्होंने बी एड कन्फर्म कर लिया है, डिग्री पास है, मार्कशीट पास है, तो आप इसमें ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। तो इसका जो सिलेबस है, अब इसके हवाले से आपको मैं गाइडेंस देता चलूँ, जो एफपीएससी का टेस्ट होता है ये 100 एमसीक्यूज का टेस्ट होता है, ठीक है। अब इसमें ये तीन पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट में आपकी जो इंग्लिश है वो 20% होती है, ठीक है। फिर पार्ट टू है, इसमें सब्जेक्ट टेस्ट होता है 40%, यानी कि फिजिक्स बायो केमिस्ट्री जो भी है वो आपका सब्जेक्ट है, तो उससे रिलेटेड 40 मार्क्स के एमसीक्यूज आपसे पूछे जाएंगे पेपर में। फिर पार्ट थ्री जो है वो प्रोफेशनल टेस्ट होता है, जो बीएड से रिलेटेड आप कह सकते हैं, जो आपका प्रोफेशनल यानी कि टीचिंग से रिलेटेड जो टेस्ट होता है, ठीक है। और नीचे ये नोट लिखा हुआ है, इन लैंग्वेज सब्जेक्ट्स अदर देन इंग्लिश दैट इज उर्दू, इंग्लिश पार्ट फॉर 20 मार्क्स विल नॉट बी इंक्लूडेड, देर विल बी 70% सब्जेक्ट टेस्ट एंड 30% प्रोफेशनल टेस्ट, ठीक है। तो ऐसे कैंडिडेट जिनकी लैंग्वेज वाले सब्जेक्ट हैं, यानी कि लैंग्वेज एक उर्दू है और उर्दू सब्जेक्ट्स हैं, तो उनका जो टेस्ट सब्जेक्ट से होगा वो 70% होगा, ठीक है, एंड जो 30% रिमेनिंग होगा वो प्रोफेशनल टेस्ट होगा। सही हो गया। अब मैं इसमें आपको ये गाइड करता चलूँ, ये सबसे पहले आपका बायो, बायो का जो सिलेबस है वो क्या होगा, पार्ट वन में आपका इंग्लिश 20% होगा, जिसमें आपने ये टॉपिक्स तैयार करने हैं, ग्रामर यूजेज। अब ग्रामर यूजेज के अंदर ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, जिसमें एक्टिव वाइज, पैसिव वाइज, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, फिर उसके बाद सेनेनम, एंटेनम, ये सारी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड होती हैं, और सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग, ठीक हो गया। 20% आपके यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर उसके बाद पार्ट टू है जी, बैचलर लेवल्स, ठीक है। अब इसमें आपने जो सब्जेक्ट है बायो का, ठीक है, बायो के हवाले से बात करें तो बायो के अंदर जो आपने बैचलर लेवल के अंदर ये सारे टॉपिक्स, ये सारी बुक्स पढ़ी होंगी, ठीक है, थ्योरीज ऑफ एवेल्युएशन, ठीक है, और ये न्यूक्लिक एसिड, सेल डिविजन्स, ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी होंगी, ठीक है। आपने इनकी प्रेपरेशंस करनी है, और अगेन बता दूं कि आपने अपनी बुक से इनकी प्रेपरेशंस करनी है, जो बुक्स आपने अपने बैचलर्स में, ग्रेजुएशन में पढ़ी हैं, ठीक है।
बाकी जो, क्योंकि अक्सर कैंडिडेट्स अक्सर तो क्या ज़्यादातर कैंडिडेट्स यही मुझे कहते हैं कि सर हमें कोई बुक जो है वो आप बता दें कि ये बुक हम कर लें ताकि हम इसको प्रिपेयर कर लें। नहीं, आपने बुक से पहले अपनी बुक को अच्छे से प्रिपेयर करें एंड देन अगर आपके कॉन्सेप्ट वहाँ से सारे क्लियर हो गए तो देन फिर आप कोई और बुक जो है वो पूछ सकते हैं, फिर मैं आपको ज़रूर उसको रिकमेंड करूंगा। तो पार्ट थ्री में आपका जो है प्रोफेशनल टेस्ट होता है जो कि 40% मार्क्स का है, ठीक है। अब इसमें एजुकेशनल साइकोलॉजी है, क्लासरूम मैनेजमेंट है, इंस्ट्रक्शन प्लानिंग है, टीचिंग स्ट्रेटजीज है, स्टूडेंट्स एवेल्युएशन एंड एग्जामिनेशन सिस्टम है, एजुकेशन गाइडलाइंस एंड काउंसलिंग है, नॉलेज ऑफ ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं एजुकेशन से रिलेटेड, प्रोफेशनल टेस्ट से रिलेटेड। ये हर हर टेस्ट में जो जितने भी टीचिंग से रिलेटेड, लेक्चरर से रिलेटेड टेस्ट होते हैं उनमें जो प्रोफेशनल टेस्ट होते हैं उसके अंदर ये सारे टॉपिक्स इंक्लूड होते हैं हमेशा ही, ठीक है। तो इन टॉपिक्स को अच्छे से कर लीजिए, इंशाल्लाह ये 40% आपके यहाँ से मार्क्स इजीली सिक्योर हो सकते हैं, ठीक है। एंड प्लस आपका अपना सब्जेक्ट है ये भी अगर आप सिक्योर कर लें तो 70 to 80 कहीं पर भी गए नहीं आपके नंबर। प्लस आपका अपना सब्जेक्ट भी है 40%, तो इन दोनों को अगर आप कर लें अच्छे से, ठीक है, तो आपके 80% मार्क्स, 70 to 80% मार्क्स तो इजीली सिक्योर हो सकते हैं अगर आप अच्छे से इसकी प्रेपरेशंस करें, ठीक हो गया। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो सिलेबस है आपका फर्दर नेक्स्ट है केमिस्ट्री का, ठीक है। अब केमिस्ट्री में भी अगेन इंग्लिश का वही वाला पोर्शन है, ग्रामर यूजिंग और सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग जो ऊपर मैंने बता दी है। पार्ट टू में आपका बैचलर लेवल्स है, अगेन जो आपका सब्जेक्ट है, अब इसमें देखें नेचर प्रॉपर्टीज, स्टेट्स ऑफ मैटर, केमिकल काइनेटिक्स, रेडियो एक्टिविटी, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, थर्मोडायनेमिक्स, केमिकल इक्विलिब्रियम, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, तो ये सारे टॉपिक्स आपने पढ़े हैं, जो केमिस्ट्री के कैंडिडेट्स हैं वो ज़्यादा बेहतर जानते हैं, ठीक है। तो आपने इन टॉपिक्स को या इन बुक्स को प्रिपेयर करना है अच्छे से। फिर पार्ट थ्री अगेन आपका वही है जो मैं ऊपर आपको बता के आ चुका हूँ, ये सारों का सेम ही होता है, जस्ट सब्जेक्ट में थोड़ी सी चेंजिंग्स हैं, बाकी एज सच कोई इसमें चेंजिंग्स नहीं है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका कंप्यूटर साइंस है, आप कंप्यूटर साइंस में भी जो पार्ट वन है ग्रामर यूजिंग और सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग अगेन वही है। पार्ट टू बेजर लेवल है, कंप्यूटर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर डाटा कम्युनिकेशन नेटवर्किंग सी सी प्लस लैंग्वेजेस विजुअल बेसिक ऑपरेटिंग सिस्टम यूनिक्स लिनक्स, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपकी जो आपने बेजर लेवल में पढ़ी। और पार्ट थ्री इसमें भी अगेन वही है, सेम है, ठीक है। ओके, फिर आगे नेक्स्ट चलते हैं। अब ये इंग्लिश आपकी लैंग्वेज आ गई है, अब उन्होंने लैंग्वेज के हिसाब से ये कहा था कि आपने इसमें क्या करना है, अभी आपको बता देता हूँ। पार्ट वन इसमें भी वही रहेगा जो बाकी सब्जेक्ट्स का था, जिसमें ग्रामर यूजिंग और सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग होगी, ठीक है। अब यहाँ से जो इंग्लिश वाले कैंडिडेट्स हैं स्पेशली, उनका 20% इजीली सिक्योर हो सकता है, क्योंकि वो है ही इंग्लिश के कैंडिडेट्स हैं तो उनके लिए मसला नहीं होगा इंशाल्लाह। तो ये 20% तो आपको यहाँ से सिक्योर हो जाएगा। पार्ट टू जो आपका होगा ये बैचलर लेवल से होगा। अब पार्ट टू के अंदर आपकी क्या क्या चीज़ें इंक्लूड है, इंग्लिश लिटरेचर है 16th to 20th century, फिर लिंग्विस्टिक है, इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग है, फिर सिंटैक्स है और डिक्शन है, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपकी इसमें इंक्लूड है। फिर पार्ट थ्री आपका अगेन वही एजुकेशनल साइकोलॉजी और ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड है। फिर नेक्स्ट इस्लामियात की बात करें तो इस्लामियात में भी आपका जो पार्ट वन होगा वो अगेन वही इंग्लिश जनरल इंग्लिश का जो जो पोर्शन है वही है, और बैचलर लेवल में से ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी। कुरान का मरकजी ख्याल, हदीस, हदीस के मुस्तंद और सच होने का मैार, सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो ये सारे टॉपिक्स हैं ये आपने पढ़े होंगे। और पार्ट थ्री में अगेन वही बीएड से रिलेटेड जो आपसे क्वेश्चनिंग होगी प्रोफेशनल टेस्ट की, ठीक है। फिर आगे मैथमेटिक्स का आ जाए, और इसमें भी पार्ट वन वही इंग्लिश का पोर्शन है, और जो पार्ट टू है ये बैचलर्स लेवल है, और इसमें मैं आपको गाइड करता हूँ कि डिफरेंशियल, इंटीग्रेशन, लिमिट्स ऑफ कंटिन्यूटी, क्योंकि मेरा अपना मैथ सब्जेक्ट है तो मैं यहाँ पर बेहतर आपको गाइड कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक्स आपने वैसे तो ये डिफरेंशियल, इंटीग्रेशन, लिमिट्स ऑफ कंटिन्यूटी ये आपने सेकेंड ईयर में भी पढ़े होंगे, ठीक है, उन्हीं को बेशक देख लीजिए, या बैचलर लेवल्स में अलहदा से इनके टॉपिक्स हैं वो देख लीजिए। फिर डिस्क्रीट और स्ट्रक्चर्स, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स ये देख लें, कम्युनिकेशन स्किल्स फॉर मैथमेटिक्स, फिर कम्युनिकेटिंग टूल्स फॉर मैथमेटिशियंस, ठीक है, मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स, फिर मैथमेटिकल स्पेसिस, सेट्स, वेक्टर स्पेसिस, मेट्रिक स्पेसिस, टोपोलॉजिकल स्पेसिस, टेंसर्स, तो ये सारे टॉपिक्स आपने बैचलर्स में, बीएस में पढ़े हैं, मास्टर्स में पढ़े हैं, तो इनको अच्छे से गो थ्रू करें तो इनशाला आपका यहाँ से 100% ये सिक्योर हो सकता है। फिर पार्ट थ्री अगेन यहाँ पर भी वही है। फिर आगे पाकिस्तान स्टडीज़ की बात करें तो पाकिस्तान स्टडीज़ में भी अगेन वो फर्स्ट जो पार्ट है जनरल इंग्लिश का पोर्शन वही है। पार्ट टू में आपका फिर आपका सब्जेक्ट है आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान मूवमेंट 1857 to 1947, करंट इश्यूज़ ऑफ पाकिस्तान, चैलेंजेस टू नेशनल सिक्योरिटी, इकोनॉमिक चैलेंजेस, ठीक है, ये सारी चीज़ें। फिर उसके बाद पार्ट थ्री अगेन यहाँ पर भी वही है। पार्ट थ्री और पार्ट वन तो ऑलमोस्ट जितने सब्जेक्ट्स हैं इनका सब सेम होगा, बस बीच में जो 40% का आपका अपना सब्जेक्ट है वो डिफरेंट होगा। आप फिजिक्स देखिए, इसमें भी
पार्ट वन वही है, पार्ट टू में बेजल लेवल आपका हीट एंड थर्मोडाइनमिक्स, वेव्स एंड ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रिक्स, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, एटॉमिक एंड मॉडर्न फिजिक्स, ठीक है, ये सारी चीज़ें। पार्ट थ्री अगेन इसमें भी वही है। अब उर्दू की बात करें तो उर्दू में देखें, उर्दू लैंग्वेज है, तो यहाँ पर मैंने आपको ऊपर बताया था जो नोट उन्होंने लिखा था कि एक उर्दू स्पेसिफिक लैंग्वेज है जिसमें आपने क्या करना है, आपका इसमें कोई इंग्लिश वाला पोर्शन तो नहीं होगा, जस्ट आपका अपना जो उर्दू का पोर्शन है बैजल लेवल का, उसमें 70% की क्वेश्चनिंग होगी, यानी कि आपके अपने सब्जेक्ट जो 70% होगा। अब जिन लोगों का उर्दू सब्जेक्ट है उनके लिए तो मज़े हैं, यहाँ पर वो 70% ना सही 60 तो एटलीस्ट ले ही सकते हैं, क्योंकि आपका अपना सब्जेक्ट है। बैजल लेवल की क्वेश्चनिंग इसमें की जाएगी आपसे, ठीक है, उर्दू ज़खीरा अल्फाज, उर्दू जुमले का ढांचा, फिर उर्दू कवायद का सही इस्तेमाल, फिर इकबालियात, फिर उसके बाद तंजो मजा, ये सारी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड हैं। इनको अच्छे से कर लीजिए तो 70 नंबर तो आपके किधर नहीं गए, फिर 30% मार्क्स जो आपके वही पैडागोजी से रिलेटेड जो मार्क्स हैं वो आओगे प्रोफेशनल टेस्ट के, ठीक है। तो ये आपका 100% टेस्ट यहाँ से ईजी ले सके, और हो सकता है क्योंकि 70 नंबर आपके अपने सब्जेक्ट के हैं तो ये बहुत ईजी है। तो यहाँ आपके तमाम सब्जेक्ट्स का जो सिलेबस है वो कम्प्लीट होता है, ठीक है। तो मैंने जितने भी आपके सब्जेक्ट्स थे उनके सिलेबस के हवाले से आपको गाइड कर दिया है, और आपने इसीलिए आपको मैंने ये वीडियो आज शेयर कर रहा हूँ ताकि आप अपनी प्रेपरेशंस को अभी से करना स्टार्ट कर दीजिए, ताकि जब टेस्ट अनाउंस्ड हो तो आपको किसी किस्म का कोई टेंशन ना हो, क्योंकि हमेशा वो लोग वही कामयाब होते हैं जो डे फर्स्ट से ही तैयारी करना स्टार्ट कर देते हैं। मोस्टली ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं वो इंतजार में रहते हैं कि जब टेस्ट अनाउंस होगा तो जाकर हम तैयारी करेंगे, तो तब जब टेस्ट अनाउंस होता है तो उसमें हफ्ते डेढ़ बाद आपका टेस्ट कंडक्ट किया जाता है, तो उसमें कुछ भी नहीं आप कर सकते। तो बेहतर ये होता है कि जब आपका ये सिलेबस अनाउंस हो जाए या अगर आपकी कोई एडवर्टाइजमेंट अनाउंस हो जाए तो आप उसकी प्रेपरेशन उसी टाइम से स्टार्ट करना शुरू कर दें, और अगर इन केस अल्लाह ना करे कोई ऐसा इशू आ जाता है कि टेस्ट कंडक्ट नहीं होता, कोई मसला आ जाता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, तो कम से कम आपकी वो जो पढ़ाई है या जो आपने उसमें प्रिपरेशंस किए हैं वो आपकी कम से कम वेस्ट तो नहीं जाएंगी ना, कुछ लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कुछ सीखने को ही मिलेगा, ठीक है। तो अपनी प्रिपरेशंस डे फर्स्ट से ही स्टार्ट करें तो इंशाल्लाह आप कामयाब ज़रूर होंगे, ज़रूर कामयाब होंगे, क्योंकि हमेशा फल भी उसी को मिलता है जो मेहनत करता है। तो डे फर्स्ट से अच्छी सी मेहनत करना स्टार्ट कर दें, अभी से प्रेपरेशन अपनी स्टार्ट करें ताकि किसी किस्म का कोई एंड पे जाकर आपको प्रॉब्लम ना हो, किसी किस्म का भी कोई क्वेश्चन हो इस कम्प्लीट एडवर्टाइजमेंट के हवाले से, इस कम्प्लीट सिलेबस के हवाले से या ऑनलाइन एप्लीकेशन के हवाले से, देन यू कैन आस्क इन कमेंट बॉक्स सेक्शन। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।